हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूँ और ये टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री है, हम इसे देखेंगे आज। ऑलरेडी मैं इसका एक लेक्चर ले चुका हूँ और आज मैं इसका दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो सबसे पहले जानना होगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ये यहां से डिराइव हुआ है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, है ना, उसके बेसिस पर। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, उसका एक्सप्रेशन क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये ट्रिपलेट्स कैसे अप्लाई होते हैं। मैं आपको एक दो ट्रिपलेट्स अप्लाई कर दिखाऊंगा एज इट इज, सिमिलरली सारे ट्रिपलेट्स उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अब यहाँ पर क्या है, सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें क्या है, जो गिवन एंगल है सी है, और वो सी एंगल कितना गिवन है, थीटा गिवन है, और ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल किस पर है, पॉइंट बी पर ये राइट एंगल है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको पहले ही कहा था कि ये जो स्लोप वाला लाइन है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये जो लाइन जो जमीन से सटा हुआ है नीचे की तरफ इसे हम कहते हैं बेस, और ये लाइन जो हाइट की तरफ खड़ा है ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम इन तीनों साइड्स को मिलाकर एक एक्सप्रेशन देता है। वो एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन होता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। वापस से एक बार मैं बोल रहा हूं, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। और यही वो पाइथागोरस थ्योरम है जिस पर बेस्ड हमारा वो पीछे जो ट्रिपलेट्स मैंने आपको दिखाया वो है। हम एक दो ट्रिपलेट्स को देखेंगे, उसके बाद बाकी ट्रिपलेट्स आप खुद से निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम ट्रिपलेट्स को देखते हैं कि ये फॉर्मूला वो कैसे सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला ट्रिपलेट है वो है 3, 4 और 5, और मैं आपको ये पहले समझा चुका हूं कि जो सबसे लंबा साइड होगा वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ ट्रिपलेट में सबसे पहले क्या नजर डालेंगे कि सबसे लंबा नंबर कौन सा लिखा है, और जो सबसे बड़ा नंबर लिखा होगा वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है 3, 4 और 5, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है ये हमारा 5। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर बचे दो नंबर 3 और 4। अब तो ये डिपेंड करता है ना कि हमें वो बेस लंबा दे रखा है या हमें वो हाइट लंबा दे रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन दो नंबर को वेरी करवाएंगे। चलो यहां पर क्या है, हमें ये तो पता हो गया कि हाइट हाइपोटेन्यूज क्या है, और यहां पर हमें परपेंडिकुलर और बेस ऑल्टरनेट कुछ भी ले सकते हैं, है ना। चलो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को इस फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, h का होल स्क्वायर, तो h हमारा क्या हो गया 5, तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, इक्वल टू, हम क्या डालेंगे यहां, इक्वल टू डाल लिए। अब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के मैं यहां पर 4 ले लेता हूं, तो मैं यहां पर ले लिया 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बेस की जगह मैं यहां क्या ले लेता हूं 3, तो मैं यहां ले लिया 3 का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो, जब हम ये सब्स्टिट्यूट कर दिए इस फॉर्मूले के अंदर, तो यहां पर मैथ्स का रूल क्या कहता है, अगर दो नंबर इधर दोनों साइड लिखे हैं तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, तभी क्या रहेगा, ये इक्वलिटी का साइन रहेगा, अदरवाइज इक्वलिटी का साइन नॉट इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 5 का होल स्क्वायर होता है 25, इक्वल टू 4 का स्क्वायर हाउ मच, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। वहीं पर फिर साइन क्या है हमारे पास, प्लस। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखो 16 प्लस 9 हाउ मच, 16 प्लस 9 भी हमारा क्या होता है, 25 होता है। जैसे ही यहां पर ये 25 आया, तो हमारा कंडीशन क्या था कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी ये ट्रिपलेट फॉलो करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो फॉलो कर गया परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। तो इसका मतलब जो हमारा 3, 4 और 5 जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड है ना, ये उसको क्या कर गया, फॉलो कर गया। उसी तरह हम दूसरा ट्रिपलेट देखते हैं, दूसरा ट्रिपलेट क्या है हमारे पास,
5, 12 और 13। चलिए अब हम इसे भी एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला ट्रिपलेट है वो है 5, 12 और 13। तो यहाँ पर वापस से वही दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिखा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है, 13 लिखा है। तो मतलब अगर 13 सबसे बड़ा नंबर है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बचा 12 और 5, हम क्या करेंगे, इसे परपेंडिकुलर बेस की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें इक्वेट करके देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर फॉलो करेगा तो ये हमारा ट्रिपलेट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर। मैं परपेंडिकुलर के लिए यहाँ 12 ले लेता हूँ, तो कितना हो गया 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या साइन था फॉर्मूले में, प्लस साइन था। अब क्या है, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, उसके बाद क्या है, इक्वल टू का साइन, 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 144। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, लिख दिया हमने। 5 का स्क्वायर हाउ मच, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब क्या करना है, 144 और 25 को ऐड करो। देखो इसको ऐड करने पर भी कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 हाउ मच 6, और यहाँ पर 1 का 1 बच गया, मतलब 169 बराबर 169 हो गया। मतलब वापस से ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया है। मतलब हमारा ये ट्रिपलेट जो 5, 12 और 13 है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर आप इन नंबर्स को ध्यान में रखेंगे, और जो पीछे मैं आपको चार्ट दिखाया था स्टार्टिंग में, एक बार फिर से दिखा दूंगा वो चार्ट, अगर आप इन नंबर्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको अधिक दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन ट्रिपलेट्स पे आप थोड़ा नजर रखें। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो आपको यह सिरदर्द बन जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ आप मेरा साथ साथ पढ़ते रहिए, मैं इस चैप्टर को आपके लिए बहुत इजी बना दूंगा। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन ट्रिपलेट्स के ऊपर। और ये रहा वो चार्ट जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वापस से एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूं। इन सारे जो ट्रिपलेट्स हैं जो एक साथ लिखे हुए हैं इस तरह से, आप उन्हें ध्यान में रख लेना। ठीक है, और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो मैं कहूं ये है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 20, 21, 29, 8, 15, 17, 7, 24, 25, ये सभी जो है ना, आप इसे प्लीज ध्यान में रख लेना। ठीक है, और जो एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक वन मार्क की क्वेश्चन में, वो है ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। आप एक बार निकाल कर देख भी लेना। ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। ठीक है, चलो आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सेशन। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इन ट्रायंगल एबीसी, जो ट्रायंगल एबीसी है वो राइट एंगल किस पर है, एंगल बी पर है ना। इफ AB equal to 12 and BC equal to 5, तो हमें निकालने क्या बोल रहा है, फाइंड tan of angle A और दूसरा cot of angle C। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पर है, B पर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जो कि ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब देखो ए बी सी, ऐसा ही नेमिंग क्यों दिया, आप सी बी ए भी लिख सकते थे, ए बी सी भी लिख सकते, लेकिन बी यहां से हटेगा नहीं अब, क्योंकि इसने फिक्स कर दिया है कि बी जो है राइट एंगल्ड है, तो मतलब बी पर ही हमारा 90 डिग्री बनेगा, ये कंफर्म बात है। अब देखो अब क्या दिया हुआ है, ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है 12, तो हम क्या करेंगे, इसे क्या लिख देंगे 12 लिख दिया हमने। अब देखो बी सी का लेंथ कितना दिया हुआ है, बी सी का लेंथ दिया हुआ है 5। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो हमने एक ट्रिपलेट क्या पढ़ा था, 5, 12, और यहाँ क्या था हमारे पास ट्रिपलेट में, यहाँ पर था हमारे पास 13। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 13 तो था, अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल कर भी देखेंगे। चलिए एग्जाम में आप निकालेंगे, ठीक है, वो मैं आपको ट्रिपलेट इसलिए ध्यान में रखने बोल रहा हूं कि अगर आप जो कैलकुलेशन निकालेंगे वो आपका कन्फर्म रहेगा कि नहीं आपने करेक्ट ही निकाला है।
ठीक है, आपको उससे काफी हेल्प मिलेगा, वन मार्क के क्वेश्चंस में आपको वो ट्रिपलेट्स काफी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाउ मच, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां कितना हो गया, ए बी का होल स्क्वायर कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस बेस का कितना स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 144 प्लस 25। यहां पर ए सी का होल स्क्वायर था, यहां पर ए सी का होल स्क्वायर था। अब देखो यहां पर ए सी का होल स्क्वायर था, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, है ना। ये तो हमें बचपन से ही पता है, बेसिक है ये हमारा। ठीक है, ये बेसिक्स तो हमें पता ही होंगे। चलो यहां पर कितना हो गया 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, और 169 का अंडर रूट कितना होता है, 169 का अंडर रूट होता है 13। ठीक है, कितना हो गया 13 एसी का वैल्यू। अब कोई ये बोलेगा यहां अंडर रूट लगा है, यहां पे प्लस माइनस 13 होना चाहिए था। ठीक है, हमने अंडर रूट लगाया, यहां पर प्लस माइनस 13 हो सकता था, लेकिन कभी भी लेंथ हमारा नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता हमारा लेंथ नेगेटिव, इसीलिए हम उस नेगेटिव को क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है हम सिर्फ उसे ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमारा एसी कितना आ गया 13 आ गया। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा आगे की कैलकुलेशन को। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए अब हमारा सारा साइड निकल चुका है। जब हमारे पास सारा साइड निकल चुका है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे क्या, साइड और एंगल के रिलेशन को देखते हुए हम दोनों को निकाल सकते हैं, या तो कभी साइड को निकाल लेंगे या तो कभी एंगल को निकाल लेंगे। ठीक है, चलो उसी के बेसिस पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हमारा साइड का काम तो हो गया, अब जो सारा गेम बचा है वो सारा गेम बचा है हमारे पास एंगल का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में निकालना है हमें टेन ए, क्या निकालना है टेन ए, मतलब इस केस में जो हमारे पास एंगल गिवन है वो एंगल गिवन है एंगल ए, ये वाला एंगल हमें गिवन है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्लास में ही बताया था जो ये एंगल होता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ मिलकर ही बनता है, एंगल बेस से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर जब ये एंगल बनेगा तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज तो ये है, तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा साइड हो जाएगा, बेस ये वाला साइड हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या हो गया, ये 12 हो गया एंगल ए के लिए और हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, और इसी एंगल के लिए, इस एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा इसके जस्ट ऑपोजिट वाला साइड होगा, मतलब ये जो बीसी होगा इस एंगल ए के लिए क्या बन जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना। जो बेस और परपेंडिकुलर है ये हमें एंगल के कंडीशन पर डिपेंड करके पता लगेगा कि कौन से एंगल के लिए कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स ही रहेगा क्योंकि वो सबसे लंबा साइड है। चलिए आगे हम क्या निकालना है, टेन ए निकालना है। तो हमें पता है नॉर्मली, आप नॉर्मली देखो, अगर मैं सपोज बोलूं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का नॉर्मल रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा का जो नॉर्मल रिलेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन। इस थीटा की जगह यहां पर किससे रिप्लेस कर रहा है, एंगल ए से, चलो ठीक है तो एंगल ए से रिप्लेस कर देते हैं थीटा को, थीटा की जगह हम एंगल ए ले आए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है एंगल बदल गया तो फॉर्मूला बदल जाएगा, नहीं फॉर्मूला तब भी वही रहेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ, इस एंगल के रेस्पेक्ट में अब परपेंडिकुलर और बेस क्या है वो देखना होगा हमें। ठीक है, चलो यहां पर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड क्या है, ये बीसी, लेंथ कितनी है इसकी 5, मतलब बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा एंगल ए के लिए बीसी डिवाइडेड बाय, अब बेस क्या है हमारा, ये ए बी वाला साइड है ना, कितना हो गया ए बी, तो बीसी कितना हो गया हमारा यहां 5 और ए बी हमारा कितना हो गया यहां 12। होप सो आपको ये समझ में अब आ गया होगा कि एंगल के साथ हम साइड्स को कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा टेन ए क्या हो गया, निकलकर आ गया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कॉट सी, ये भी बहुत सिंपल है। देखो टेन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है कॉट, यहां टेन थीटा था हमारा पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं यही पूछूं कि मेरा कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा टेन थीटा का जस्ट ऑपोजिट होगा, कितना हो जाएगा रेसिप्रोकेट होकर, परपेंडिकुलर बाय बेस रेसिप्रोकेट होकर हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये बात तो होप सो क्लियर होगा। ठीक है, अब चलो वापस यहां एंगल का ही गेम है, तो दूसरा सेकंड क्वेश्चन में क्या मांगा है हमसे, कॉट ऑफ एंगल सी, यानी अब इस केस में हमारे पास जो एंगल गिवन है वो एंगल गिवन है हमारा ये एंगल सी वाला एंगल गिवन है ना। तो अब इस एंगल के लिए
बेस क्या हो जाएगा, वो साइड जिससे ये एंगल निकल रहा है, निकल किससे रहा है वो, है ना। ये देखिए एंगल किससे निकल रहा है, बीसी से निकल रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एंगल जो है हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही फॉर्म होगा, तो मतलब ये साइड तो हाइपोटेन्यूज फिक्स था और इस एंगल सी के लिए जो बेस बन जाएगा अब ये बीसी बन जाएगा, ठीक है। और इस एंगल के लिए जो ऑपोजिट साइड है जो कि परपेंडिकुलर बनता है वो कितना बन जाएगा, ए बी, ठीक है। तो चलो सिंपल हो गया, हमारे पास कॉट ऑफ एंगल सी कितना होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए बेस क्या था हमारा, साइड बी सी, है ना, कितना था, साइड बी सी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर किस क्या है इस एंगल सी के लिए, इस एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर साइड है जस्ट ऑपोजिट साइड ए बी कितना हो गया, ए बी, यानी बी सी का लेंथ कितना 5 हो गया और ए बी का लेंथ कितना 12 हो गया, है ना। ये तो इत्तफाक हो गया कि टेन ए बी 5/12 आ गया और कॉट सी बी 5/12 आ गया, जबकि एंगल दोनों का सेम नहीं है, है ना। हो जाता है कभी कभी, लेकिन होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगल के साथ हमें साइड को सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, उसमें दिया हुआ है इफ कॉसेक ए, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल था। स्टार्टिंग से ही दिमाग लगाते जाइए, जैसे क्वेश्चन पढ़िए अपने आप को लेकर जाइए उस फॉर्मूले के पास, है ना, कि सोचिए कि आखिर ये गिवन है तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आपके ध्यान में तभी आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही मैं देख रहा हूं कॉसेक ए, तो ये कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है ना। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये कितना गिवन है, अंडर रूट टेन। उसके बाद हमें निकालने क्या बोला है, कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए साइन ए। चलो यहां पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो हमें गिवन है कॉसेक ए बराबर हाउ मच, अंडर रूट टेन बाय अंडर रूट टेन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले रिलेशन ध्यान में लेकर आइए, ठीक है। हमारे पास ये पता है कि कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले इस बात को ध्यान में लेकर आइए, जैसे ही हमें इस बात का ध्यान आ गया कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा है वो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिक्यूलर। होप सो आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर दिमाग में रखकर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या दिया है, कॉसेक ए बराबर अंडर रूट टेन, मतलब हमारे पास तो फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यहां तो सिर्फ एक ही नंबर दिया है अंडर रूट टेन। अच्छा, अगर हमारे पास कोई नंबर नॉर्मली दिया हुआ है, सपोज हमारे पास यहाँ 2 दे दिया है 4 दे दिया है, फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या है, ये खाली 2 ही लिखा है क्या, नहीं, इसके नीचे 1 होता है डेनोमिनेटर में, क्योंकि ये 1 होता है, इस 1 का वैल्यू खत्म हो जाता है ना, हम 1 को काउंट नहीं करते हैं, यूनिट में वैल्यू काउंट कर लेते हैं, तो पर यूनिट कितना है, 2 वैल्यू दिया हुआ है ना। तो उसी तरह यहाँ पर अंडर रूट टेन दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये खाली अंडर रूट टेन ही लिखा हुआ है, हम इसे क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 से डिवाइड करेंगे इतने टाइम से कट जाएगा, 1 लिखेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतने टाइम से कट जाएगा, तो मतलब नंबर उतना का उतना ही रह जाएगा अगर हम इस 1 से डिवाइड कर लेते हैं तो, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अंडर रूट टेन बाय 1 कर लेते हैं, तो यहां पर अब हमारा काम बहुत इजी हो गया। इजी क्यों हो गया हमारा काम, क्योंकि हमें पता था कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर कॉसेक ए जो है यहां पर दिस बाय दिस आ गया, इसका मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर हो गया हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और नीचे वाला नंबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि कॉसेक थीटा यानी कॉसेक एंगल ए हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर का ही रेशियो होगा, और यहां पर जो रेशियो गिवन है इसका मतलब निश्चित है कि ऊपर वाला नंबर हाइपोटेन्यूज होगा और नीचे वाला नंबर परपेंडिकुलर होगा, और ये जो रेशियो बनेगा ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर का ही रेशियो हो जाएगा। अब यहां से सब कुछ इजी हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जिस ट्रायंगल को डील करते हैं वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो चलिए अब हम उस ट्रायंगल को बनाकर इस सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां गिवन है इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से यहाँ पर हमारा जो गिवन एंगल है कितना है, एंगल ए, मतलब एंगल ए यानी पॉइंट ए पर जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए। यानी अब हमारा ये एंगल गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर कोई सोचेगा ये यहाँ पर बी पर ही 90 डिग्री क्यों ले लिया, सी पर क्यों नहीं लिया, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर नेमिंग कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी के जगह आप डी लिख दीजिए, बी के जगह ई लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज फिक्स रहेगा, वो है ये पॉइंट ए, क्योंकि इस पॉइंट ए पर जो एंगल है वो एंगल ए गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। इसको छोड़कर, इस एरिया को छोड़कर आप इन दोनों को कुछ भी लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास कॉसेक का वैल्यू कितना दिया था, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, इस केस के लिए सबसे लंबा साइड, सबसे लंबा साइड क्या हमारे पास हो गया, अंडर रूट 10, ठीक है। दूसरा नीचे क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमारा तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड क्या है, ये है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या हो जाएगा, बेस, और ये तो सबसे लंबा साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूज गिवन ही है, चलो ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा साइड नहीं है, साइड हमारे पास ए बी नहीं है, ठीक है, निकाल लेंगे, हमें तो पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, इन तीनों साइड का जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम देता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट 10, यानी अंडर रूट 10, अब ध्यान से देखना, यहां पर एक रूट एक्स लिखा है, यहां पर रूट एक्स लिखा है, जब दो रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इस रूट का जो वैल्यू होता है पावर पे 1/2 होता है, ये वैल्यू भी पावर पे 1/2 होगा, जब बेस सेम तो पावर एड, यानी हाफ प्लस हाफ, हाउ मच, 1, यानी x के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह अंडर रूट 10 दो बार मल्टीप्लाई होगा, जैसे रूट एक्स दो बार मल्टीप्लाई होकर x बन गया, उसी तरह अंडर रूट 10 दो बार मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब इसको निकालना है तो इसे हमें इस तरफ भेजना होगा, जब इस तरफ भेजेंगे तो 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 1, हाउ मच, 9। तो यहां पर अब बेस का स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो जैसे ही बेस का निकालेंगे वैल्यू तो ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 9, और इस अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। वापस से प्लस माइनस 3 दोनों हो सकता है वैल्यू, लेकिन साइड हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। चलिए अब यहां पर हमारा सब कुछ निकल गया, सब कुछ निकल गया, यहां पर अब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मुंह से आंसर लिखा जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहां पर कॉस ए, कॉस का रिलेशन क्या होता है, कॉस का रिलेशन होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 10, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बाय अंडर रूट 10, ठीक है। उसी तरह टेन ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना, 1, बेस कितना, 3, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 1/3, ठीक है। उसी तरह ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा है कॉट ए, कॉट ए का रिलेशन क्या होता है, टेन ए का जस्ट उल्टा, टेन ए तो हमने निकाल ही लिया, तो टेन ए का जस्ट उल्टा कितना हो गया यहां पर, 3/1, या तो 3/1 लिख लो या 3 लिख लो, फर्क ही नहीं पड़ता, यहां देखना भी नहीं पड़ा, टेन ए का जस्ट रेसिप्रोकल है, ठीक है। यहां पर लिखा है सेक ए, वापस इस ट्रायंगल पर मत चले जाना सेक ए निकालने के लिए, ऑलरेडी हमने कॉस ए निकाल लिया है, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10/3, ठीक है। और यहां पर लिखा है साइन ए, ये तो बिना कुछ निकाले ही सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को देखकर ही, क्योंकि साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कितना, कॉसेक ए, कॉसेक ए कितना गिवन था, अंडर रूट 10, तो साइन ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 का रेसिप्रोकल, यानी अंडर रूट 10 के नीचे कुछ नहीं था तो कितना था, 1 था, यानी इसको पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/√10। होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।